हेलो लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे एन्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में, और इसमें आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि एन्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं, और उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो जैसा कि दैनिक जीवन के में तनाव और समस्याओं से निपटने के दौरान एन्जाइटी होना एक सामान्य सी भावना है, लेकिन जब ये भावनाएं लगातार अत्यधिक और तर्कहीन होती हैं और किसी व्यक्ति के कार्य के करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, तो ये एक चिंता विकार बन जाती हैं या ये एक एन्जाइटी डिसऑर्डर बन जाती हैं। अब ये आपके ब्रेन का तनाव पर प्रतिक्रिया करने का तरीका है, और हमें आगे संभावित खतरा जो हमारी सेंसेस होती हैं वो हमें संभावित खतरे से सावधान करती हैं। तो हर कोई अक्सर चिंतित महसूस करता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप देख लीजिए कि जब आप काम पे होते हैं या परीक्षा देने से पहले या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी समस्या का सामना करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एन्जाइटी फेस करते हैं। तो कभी कभी तो ये एन्जाइटी ठीक होती है, लेकिन जब ये एन्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये एन्जाइटी डिसऑर्डर में परिवर्तित हो जाती है। तो एन्जाइटी और एन्जाइटी डिसऑर्डर दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो एन्जाइटी डिसऑर्डर बेसिकली क्या है? मानसिक बीमारियों का एक समूह है, एक ग्रुप है, जो निरंतर होता है, अत्यधिक चिंता और भय का कारण बनते हैं। अत्यधिक चिंता आपको काम, स्कूल, परिवार और अन्य लोगों से मिलने जुलने, सामाजिक स्थितियों से बचने के लिए मजबूर कर सकती है, जो आपके सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकती है। तो अगर हम इससे घबराने की कोई बात नहीं होती है, उपचार के साथ एन्जाइटी डिसऑर्डर वाले कई लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो एन्जाइटी डिसऑर्डर का मेन जो सिम्टम है वो एक्सेसिव फेयर या एन्जाइटी है। मतलब जब हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है या हमें घबराहट होती है, तो ये एन्जाइटी डिसऑर्डर का एक सिम्टम है। और एन्जाइटी जो है वो एक कॉमन सिम्टम है। जैसे इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे दहशत, भय और बेचैनी, घबराहट होना, या फिर आपका स्लीप डिसऑर्डर होना, स्लीप में मतलब आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या कम नींद आ रही है, या फिर आप शांत या स्थिर रहने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा आपके हाथ पैर में सुन्न हो जा रहे हैं, ठंडा या फिर ठंडे हो जा रहे हैं, या फिर उसमें इरिटेशन सा हो रहा है, आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, हाइपर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम हो रही है, आपको हार्ट पैल्पिटेशन हो रहा है, ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर नौजिया जैसी फीलिंग्स, या फिर आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा टेंस हो जा रही हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, और एक ही चीज़ के बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, जबकि आपको पता है कि उसको सोच करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप उस पर किसी पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ों से जो है वो डर लगता है, तो हम जो है उन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमें किसी स्थान में जाने से या किसी जगह से या भीड़ में जाने से डर लगता है, तो हम उनसे सब चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। हमें सोसाइटी में लोगों के बीच में जाने में कभी घबराहट होती है, तो हम बाहर जाना छोड़ देते हैं। तो ये सारे जो भी सिम्टम्स होते हैं, ये सब एन्जाइटी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एन्जाइटी डिसऑर्डर। तो एन्जाइटी डिसऑर्डर, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि एक मानसिक बीमारियों का समूह होता है। तो जब समूह की बात करते हैं, तो एन्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर 12 अन्य प्रकार के डिसऑर्डर्स भी आते हैं, जो कि हमारे DSM-5 यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिक क्राइटेरिया ऑफ मेंटल डिजीज़ में दिया गया है। तो DSM-5 के सेक्शन 2 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और कोड के अनुसार एन्जाइटी डिसऑर्डर के जो हैं वो 12 और प्रकार हैं जिनको इनमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है सेपरेशन एन्जाइटी डिसऑर्डर। तो सेपरेशन एन्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है कि ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, और बच्चों के विकास का एक सामान्य चरण है। मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अक्सर सेपरेशन एन्जाइटी का अनुभव करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अधिकांश बच्चे लगभग 3 साल की उम्र तक तो सेपरेशन एन्जाइटी को फेस करते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि बच्चों को उससे आगे भी सेपरेशन एन्जाइटी होती है, और वो एक अधिक गंभीर स्थिति का संकेत देती है, जिसे कि हम
एंजाइटी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के रूप में जानते हैं। तो जो बच्चे प्री स्कूल एज में होते हैं उनसे वहाँ से उनको ये एंजाइटी डिसऑर्डर शुरू होता है। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो घबरा जाते हैं स्कूल जाने में, जो प्री स्कूल एज के बच्चे होते हैं तो वो जब उन अपने माता पिता से अलग होते हैं तो उनको इस वो तब इस एंजाइटी को फेस करते हैं। पर कई बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो वापस घर आकर के भी उस डर से कोपअप नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर से इस डिसऑर्डर की शुरुआत होती है। तो जब ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर जाकर के अपने काउंसलर या अपने डॉक्टर से सलाह लें या अपने बच्चे से बात करें। तो उसके अलावा जो सेकेंड टाइप है वो है सेलेक्टिव म्यूटिज्म। तो सेलेक्टिव म्यूटिज्म भी जो है वो चाइल्डहुड का एक जटिल एंजाइटी डिसऑर्डर है जो कि स्कूल जैसे चुनिंदा सामाजिक सेटिंग्स में प्रभावी ढंग से बोलने और संवाद करने में बच्चों की अक्षमता को दर्शाता है। तो ये था आपका सेलेक्टिव म्यूटिज्म। इसके बाद थर्ड आपका आता है स्पेसिफिक फोबिया। तो स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है कि एक विशिष्ट भय या एक विशिष्ट वस्तु या किसी स्थिति या किसी सिचुएशन से जो व्यक्ति को तीव्र लगातार और तर्कहीन भय होता है उसे हम स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे कुछ लोगों को मकड़ियों से बहुत डर लगता है तो उसको हम अर्कोनोफोबिया कहते हैं। कुछ लोगों को कुत्ते से बहुत डर लगता है तो उस डर को हम साइनोफोबिया कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को पानी से बहुत डर लगता है, इसे हम एक्वाफोबिया कहते हैं। वो बिल्कुल पानी के पास जाना नहीं चाहते, कहीं पर छोटी सी भी नदी या नहर जैसी भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको इन डिसऑर्डर्स के टाइप यहाँ पर बता रही हूँ, इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं क्योंकि एंजाइटी डिसऑर्डर डिस्क्राइब कर रही हूँ तो मैं उनके टाइप्स के रूप में आपको एक शॉर्ट इनके बारे में बता रही हूँ शॉर्ट तरीके से, और इन्हीं डिसऑर्डर्स को हम आगे आने वाली वीडियोस में एलाबोरेट करेंगे, ज़्यादा विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसके बाद आता है आपका फोर्थ नंबर पे जो एंजाइटी डिसऑर्डर के ग्रुप में आता है वो है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और सोशल फोबिया। हम इसे सैड के नाम से भी जानते हैं। सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित लोग हालांकि तीव्र भय और चिंता का अनुभव करते हैं जब उन्हें ये लगता है कि वो जो है वो सारा फोकस, जो लोगों का फोकस है वो सारा उनके ऊपर है तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसे लोग जो हैं अपनी रोज़मर्रा की सामाजिक परिस्थितियां जैसे कॉन्फ्रेंस में भाग लेना या फिर वर्क प्लेस पर मीटिंग करना या फिर प्रेजेंटेशन देना, शादी या पार्टी में भाग लेना या फिर दोस्तों के साथ भोजन के लिए बाहर जाना, गंभीर मतलब इस तरीके के कार्यक्रमों से वो दूर रहते हैं, और अगर ऐसा उनको कुछ करना पड़ता है तो उनके अंदर जो है वो गंभीर चिंता पैदा हो जाती है। इसके अलावा इसका जो फिफ्थ टाइप है वो है पैनिक डिसऑर्डर। तो पैनिक डिसऑर्डर एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर ही है और ये पैनिक अटैक का कारण बनता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई वास्तविक खतरा नहीं भी है तो भी व्यक्ति के अंदर एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है कि उसको किसी तरीके का खतरा है, और इसी की वजह से जो इसका सिक्स टाइप है पैनिक अटैक वो उनके अंदर डेवलप होता है। पैनिक अटैक भी एंजाइटी डिसऑर्डर का ही एक टाइप है, और जब इंसान पैनिक फील करता है ना, जैसे कि हमने बताया भी कि कुछ टाइप के फोबियाज होते हैं, तो जब वो उसको फेस करने लगते हैं जैसे बाहर जाना है या एकदम से मकड़ी को देख लेंगे, तो जब उनका वो डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा, और जब वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा तो धीरे धीरे उनमें पैनिक अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब आप किसी डर में रह रहे होते हैं ना तो आप में पैनिक अटैक आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर लोग उस सिचुएशन को अवॉइड करने लगते हैं, और ये जो डर है ना वो उनके जीवन पे हावी हो जाता है, और वो फिर मतलब सिचुएशंस मतलब वो चाहते हैं कि फिर वो अपने घर में ही रहें, कहीं भी अपना घर छोड़ करके ना जाएं, इस तरीके की सिचुएशंस उनके अंदर आने लगती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेवेंथ टाइप है एंजाइटी डिसऑर्डर का वो है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया भी एक प्रकार का एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें आप ऐसी परिस्थितियों में जाने से बचते हैं जहां आप
फंसा हुआ महसूस करते हैं या असहाय महसूस करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ जाने से मुझे मतलब मैं ह्यूमिलेशन का शिकार हो जाऊँगा, तो ऐसी वास्तविक या अप्रत्याशित स्थितियों से आप डरते हैं। जैसे कई लोग जो हैं वो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना या फिर खुले स्थानों पे जहाँ पर बहुत भीड़ होती है वहाँ पर जाने से, या फिर लाइन में खड़े होने या भीड़भाड़ में जाने से अवॉइड करते हैं, तो वो जो है वो वहाँ पर जाना नहीं चाहते क्योंकि उनको जो प्रॉब्लम होती है वो अगोराफोबिया की होती है। इसके बाद 8th नंबर पे आता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे हम GAD भी कहते हैं, इसमें जो है वो व्यक्ति को किसी भी चीज़ की ना जो एन्जाइटी होती है या चिंता जो होती है वो बहुत लंबी लंबे टाइम तक वो अनुभव करता है और उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है। और ये जो उसके इमोशंस होते हैं ना, मतलब इसमें उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो इस बात से मतलब अवगत होता है कि उसकी चिंता जो है वो उसका उसका कोई वैलिड रीज़न नहीं है, उसकी चिंता का कोई वैलिड रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाता। जो उसके थॉट्स हैं वो बार बार उसके अंदर सेम थॉट्स बार बार आते हैं, और वह ये जानता है कि वो मतलब उसके ये थॉट्स फॉल्टी हैं और उसे मतलब जो अननेसेसरी ये थॉट्स आ रहे हैं उसका कोई वैलिड रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाता है। तो जैसे कि कोई भी आपका डेली रूटीन का कोई काम है जो आपको करना है, आप उसे इजीली कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी आप पूरे टाइम उसके लिए चिंतित रहते हैं कि अरे मैं ये कैसे करूँगा, या ये मेरे से कैसे हो पाएगा, या इसे मुझे किस तरीके से करना चाहिए। इसके बाद 10th जो हमारा एन्जाइटी डिसऑर्डर में आता है वो है सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस एन्जाइटी डिसऑर्डर। तो ये आपका जो हम इसको सब्सटेंस इंड्यूस एन्जाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो सब्सटेंस इंड्यूस एन्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो बेचैनी या घबराहट, मतलब ये एक तरीके की मतलब जब हम कोई ऐसी दवा ले रहे होते हैं जिसकी वजह से, कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ की हमारी दवाई चल रही होती है या फिर हमें कोई अदर डिजीज़ होती है उसकी दवाई की वजह से हमें घबराहट या बेचैनी होती है, तो उसे हम सब्सटेंस इंड्यूस एन्जाइटी डिसऑर्डर नहीं मानते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हाँ हमें कोई दुख है या कोई परेशानी है और उसकी वजह से वो कुछ गलत दवाइयों का सेवन करते हैं या फिर अल्कोहल वगैरह का सेवन करते हैं, तो यहाँ पर जो एन्जाइटी डिसऑर्डर उत्पन्न होता है उसे हम सब्सटेंस इंड्यूस एन्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब इसका जो 11th टाइप है वो है एन्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशंस, यानी कि किसी अदर मेडिकल कंडीशन जैसे कि थायराइड है, डिप्रेशन है, या कोई हार्ट डिजीज़ है, इसकी वजह से भी व्यक्ति को एन्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। उसके बाद 12th नंबर पे आता है अदर स्पेसिफिक एन्जाइटी डिसऑर्डर्स, और 13th नंबर पे आता है अनस्पेसिफाइड एन्जाइटी डिसऑर्डर। तो ये जो है ये आपके विशिष्ट लक्षणों पर ही आपका एन्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो निर्भर करता है। तो यहाँ तक हमने जो थे एन्जाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स हमने डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं एन्जाइटी डिसऑर्डर के कॉजेज़ की, एन्जाइटी डिसऑर्डर किन कारणों से हो सकता है। तो एन्जाइटी डिसऑर्डर होने का एक जो सबसे पहला कारण होता है वो है जेनेटिक्स। तो एन्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो परिवार में भी चल सकता है, मतलब अगर फैमिली में किसी को एन्जाइटी डिसऑर्डर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे को भी एन्जाइटी डिसऑर्डर हो। जैसे अगर प्रेग्नेंट मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है या उसे किसी तरीके का एन्जाइटी है, तो उसके जो सिम्टम्स हैं या उसकी जो उस समय की मेंटल स्टेट है बच्चे में भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें भी एन्जाइटी के गुण कुछ लक्षण आ जाए। इसके अलावा जो 2nd नंबर का कॉज है वो है ब्रेन केमिस्ट्री। जैसे कि कुछ रिसर्चर्स बताती हैं कि एन्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो हमारे ब्रेन में फॉल्टी सर्किट्स की वजह से भी होता है, और जो जो है वो हमारे फेयर और जो फॉल्टी सर्किट्स हमारे फेयर और इमोशंस को नियंत्रित करते हैं, तो उसकी वजह से भी एन्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से भी जो है वो एन्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे या कुछ ऐसी तनावपूर्ण घटनाएं किसी के जीवन में हो जाती हैं जिसकी वजह से उनको एन्जाइटी
डिसऑर्डर हो सकता है। तीसरा है एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ये उन तनावपूर्ण घटनाओं को संदर्भित करता है जिन्हें आपने कभी देखा या जिया है। तो अक्सर एंजाइटी डिसऑर्डर से जुड़ी जीवन की घटनाओं में बचपन में दुर्व्यवहार और उपेक्षा, किसी प्रियजन की मृत्यु या किसी पे हमला किया जाना या हिंसा आदि देखना शामिल होता है। इसके अलावा फोर्थ है ड्रग विड्रॉल और मिसयूज़। तो कुछ चिंता लक्षणों को छिपाने या कम करने के लिए कुछ लोग जो हैं वो दवाइयों का उपयोग किया करते हैं, जैसे शराब और मादक द्रव्यों के सेवन से एंजाइटी डिसऑर्डर अक्सर बढ़ जाता है। इसके अलावा मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि कुछ हार्ट डिजीज़ या फिर किसी को अगर हार्ट डिजीज़ होती है या फिर लंग्स इन्फेक्शन या फिर थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये सब भी जो हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स बढ़ा सकती हैं। या फिर ज़्यादा अगर किसी को ऑलरेडी इन सब चीज़ों की वजह से एंजाइटी हो रही है तो उसको बढ़ा भी सकती हैं। तो कभी भी जब भी आप एंजाइटी के बारे में अपने डॉक्टर से बात करते हैं तो सभी स्थितियों को पता लगाने के लिए आपको अपना एक फुल बॉडी चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। तो यहाँ तक तो थे कॉजेज, अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, कि एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर के रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, तो पहले चीज़ है हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। तो अगर किसी को डिप्रेशन की तरह किसी और मानसिक स्वास्थ्य विकार है होता है तो उसको एंजाइटी डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा है चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़। अगर बचपन में किसी बच्चे के साथ कोई भावनात्मक या शारीरिक और यौन शोषण हुआ होता है तो उसकी वजह से भी एंजाइटी डिसऑर्डर जो है बाद में उसके जीवन में हो सकता है या उसे जीवन भर परेशान कर सकता है। इसके अलावा थर्ड नंबर पर ट्रॉमा है, अगर आपको कोई आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ है तो उसकी वजह से भी जो है वो आपको PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ जाता है और इसकी वजह से पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा और रिस्क फैक्टर्स में नेगेटिव लाइफ इवेंट्स आ सकते हैं, जैसे कि तनावपूर्ण या नकारात्मक जीवन की घटनाएं, जैसे बचपन में माता पिता को खोना एंजाइटी डिसऑर्डर को बढ़ा सकता है। इस तरीके की अगर घटनाएं किसी के साथ हुई होती हैं तो उसमें एंजाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सीवियर इलनेस और क्रोनिक हेल्थ कंडीशन जो है, अगर आप अपने स्वास्थ्य या अपने किसी प्रियजन के स्वास्थ्य के बारे में लगातार चिंता करते हैं या किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो उस टाइम पे एंजाइटी डिसऑर्डर होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज़, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि ये कॉज भी है, तो शराब या फिर अवैध दवाओं के उपयोग से भी जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो बढ़ जाता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि अल्कोहल लेने से उनकी चिंताएं कम हो जाएंगी, पर यकीन मानिए कि अल्कोहल लेने से किसी भी तरीके से एंजाइटी का निवारण नहीं हो सकता है। इसके अलावा लो सेल्फ इस्टीम वाले लोगों में जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। जिन व्यक्ति में लो सेल्फ इस्टीम होती है या जो अपने बारे में नकारात्मक धारणाएं या नेगेटिव धारणाएं बना लेते हैं उनके अंदर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होने का के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो दो तरीके से एंजाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला तो है मेडिकेशन, दवाइयों के थ्रू हम कर सकते हैं, जिसमें कि एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती हैं, इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं जो कि आपको मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती हैं। इसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स करते हैं वो होता है आपको थेरेपीज देने का काम, जो कि जैसे कि साइकोथेरेपी दी जा सकती है जिसके अंदर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सपोजर थेरेपी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो ये भी आपको किसी ट्रेंड सुपरविजन, ट्रेंड काउंसलर या ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में कराई जाती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी, जिसमें आपका कॉग्निशन के साथ साथ बिहेवियर में चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है।
इसके अलावा आप जो डेली में आप कर सकते हैं वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपना सकते हैं, रिलैक्सेशन मेडिटेशन कर सकते हैं, इस तरीके के योगा कर सकते हैं, डेली वॉक पे जा सकते हैं, इस तरीके की छोटी छोटी डेली रूटीन की चीज़ें करके जो है वो आप अपने वेलबींग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये था एनजाइटी डिसऑर्डर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो सब टाइप्स थे, जो 12 सब टाइप्स थे, उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।